हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2024 लेटेस्ट मॉडल रॉयल इनफील्ड मिटियोर 350 बेस वेरिएंट फायरवॉल रेड कलर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेस वेरिएंट की 2024 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस कितनी है, बाइक आपको कितने का माइलेज निकाल कर देती है, क्या कुछ फीचर्स आपको बेस वेरिएंट के अंदर मिल जाते हैं, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की। 2,51,000 रुपये की आपको बाइक ऑन रोड मिल जाती है जयपुर सिटी के अंदर। इस बाइक के अंदर आपको ड्यूएल चैनल ABS मिल जाता है। अभी के टाइम पे अपडेट की बात करूँ तो E20 का अपडेट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। आने वाले टाइम में आप इस बाइक को इथेनॉल पेट्रोल से भी चला सकते हो। तो एक बड़े अपडेट के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। इस बाइक के अंदर आपको कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है। दोनों की के ऊपर आपको RE की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। बेस वेरिएंट के अंदर आपको नॉर्मल से मिरर मिलते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी क्रोम का मिरर देखने को नहीं मिलता। चलिए करते हैं इस बाइक की को ऑन। जैसे ही आप इस बाइक की को ऑन करते हो तो इसके फ्रंट में आपको जो LED DRL लाइट देखने को मिलती है, लाइटें ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की लाइट देखने को मिलती है। हेलोजन हेडलाइट सेटअप के साथ में आपको बाइक देखने को मिलती है। बेस वेरिएंट के अंदर आपको हेलोजन हेडलाइट का सेटअप मिलता है, यहाँ पे आपको कोई भी LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलता है। साइड में आपको नॉन फ्लेक्सिबल हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। इस बाइक के अंदर आपको हजार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप इस बाइक के चारों इंडिकेटर को एक साथ ऑन कर सकते हैं। इसकी फ्रंट प्रोफाइल के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, 41mm फोर्क 130mm ट्रेवल फेंडर वगैरह आपको फाइबर बॉडी पार्ट के साथ में मिल जाते हैं। इसके सस्पेंशन के ऊपर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, जो नाइट वगैरह के लिए काफी अच्छा फीचर है। इसके फ्रंट में आपको 300mm के डिस्क मिल जाते हैं। बाइब्री कंपनी के कैलिबर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। एंड ब्लैक कलर के अलॉय व्हील आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। इसके फ्रंट में टायर सेक्शन की बात करूं तो इसके फ्रंट में आपको 119 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल के अंदर आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिलती है 3D में कुछ इस तरीके की। एंड ग्लॉसी कलर फिनिशिंग के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक की मिल जाती है। ऊपर तरफ आपको E20 का स्टिकर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की। तो इसके अंदर आपको 350 cc का एयर ऑयल कूल इंजन आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है, जो 20.21 BHP की पावर जनरेट करता है, 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। टोटल 5 गियर्स आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। इस बाइक के माइलेज की बात करूँ तो बाइक आपको 35 से 40 का माइलेज निकाल कर दे देती है। एंड दोस्तों, इस बाइक के अंदर आपको किक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। इस बाइक के करवेट की बात करूँ तो 195 kg का करवेट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। एंड इस बाइक के अंदर आपको 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। दोस्तों, इस बाइक की सीट हाइट की बात करूँ तो 765mm की सीट हाइट आपको इस बाइक की मिल जाती है। ड्यूअल सीट ऑप्शन के साथ में आपको बाइक देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, लॉन्ग राइड कंफर्ट के हिसाब से बाइक एक नंबर ऑप्शन हो जाती है। साइड में आपको मिटियर 350 की ब्रांडिंग मिल जाती है स्टिकर के फॉर्म में। इसकी रियर प्रोफाइल के अंदर आपको पिलियन के लिए एडिशनल फुटरेस्ट मिल जाते हैं। रियर में आपको 5-स्टेप एडिशनल प्रीलोडेड सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। इसके रियर में आपको 270mm के डिस्क, यहाँ पे आपको बाइब्री कंपनी के कैलिबर मिल जाते हैं। इसके रियर में आपको 140-70-17 इंच के वाइड टायर देखने को मिल जाते हैं। तो लॉन्ग राइड कंफर्ट के हिसाब से बाइक एक नंबर ऑप्शन हो जाती है। इसके रियर प्रोफाइल के अंदर आपको 2-पीस ग्रेवरल मिलने वाले हैं कुछ इस तरह के। नीचे तरफ आपको गोल सी टेललाइट देखने को मिलती है, जिसके ऊपर आपको क्रोम का वर्क मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको नंबर प्लेट माउंटेन, साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। नॉन फ्लेक्सिबल हेलोजन टर्न इंडिकेटर आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। दूसरी तरफ आपको यहाँ पे लेडीज फुटरेस्ट मिल जाता है। इस बाइक के अंदर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आपको क्रोम का वर्क मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, लो बैटरी वार्निंग, ABS लाइट, चेक इंजन लाइट, न्यूट्रल लाइट, लो फ्यूल वार्निंग, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ एंड साइड में आपको आई बटन मिल जाता है, जिससे आप इस बाइक के ट्रिप टू वन डिजिटल क्लॉक को भी एडजस्ट कर सकते हो। 120 km/h की टॉप स्पीड आपको इस बाइक के मिल जाती है। साइड में आपको सिंगल हॉर्न सुनने को मिलता है। दूसरी तरफ आपको यहाँ पे इंजन किल स्विच मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग राइड कंफर्ट के हिसाब से रॉयल इनफील्ड की बाइक ढूंढ रहे हो तो बाइक आपके लिए एक नंबर ऑप्शन होने वाली है। दोस्तों, बेस वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 3 कलर देखने को मिल जाते हैं, रेड कलर, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर। तो दोस्तों, शोरूम के अंदर आप जाकर इस बाइक के अंदर कस्टमाइज कलर भी ले सकते हो, जिसकी वेटिंग आपको लगभग 1.5 से 2 महीने देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये था 2024 लेटेस्ट मॉडल रॉयल इनफील्ड मिटियोर 350 फायरवॉल रेड कलर का एक स्मॉल सर भी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहें।